हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों वीर पाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी एडिटिंग सिखाने वाला हूँ जिसकी बहुत देखने के बाद आपको मन खुश हो जाएगा। एक तरफ से अट्रैक्टिव वीडियो बहुत अच्छी बना रहा है। और दोस्तों आपको बता दूँ, उससे पहले आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या मतलब तरीका करना है, मतलब क्या क्या आपको मतलब किस तरह से करना है, तो आपको दिखाता है सेटअप किस तरह से आपको मतलब करना है, तो जिससे कि आपको जो एडिटिंग वीडियो है ना अच्छे से अट्रैक्टिव हो पाए और अच्छे से जो है बैकग्राउंड चेंज हो पाए। तो आपने देख ही सिखाया जो मैंने इंट्रो लगाया था, इस तरह से हमारा वीडियो बनेगा। तो कैसे उस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, चलिए तो उसी तरह हम दिखाते हैं कैसा क्या मतलब आपको करना है। पहले बता दो कि कोई एक कपड़ा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, एक कलर का होना चाहिए, ठीक है, एक नॉर्मल कपड़ा। आपको क्या करना है, अपने शरीर पर लिपटा लेना है, ठीक है, इससे ना अट्रैक्टिव वीडियो बनेगा जो आपको बैकग्राउंड ना चेंज हो जाएगा कन्वर्टर से अच्छी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो ग्रीन पर्दा है ना अपने शरीर में लिपटा रखा है एंड ये खुल रहा है, अभी मैं लिपटा लूँगा सही से। तो इस तरह से लिपटा लेना है और आपको क्या करना है, जैकेट की जो चेन है इसको बंद कर लेना है। इसको बंद करने से क्या होगा, तो वीडियो हम बनाएंगे ना तो इसको चेन खोलेंगे धीरे धीरे, तो हम ग्रीन पर्दे को थोड़ा सा दिखाएंगे, तो हमसे एडिटिंग करके ना तो कैसे क्या बनेगा वो आपको मैं एडिटिंग वाले दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सिंपली अपने कन्वर्टर को ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे जैसे मैं कहता रहूँ वैसे वैसे आपको करना है और सीखना है। तो यहाँ पर लेना है जो 9 और 16 दिख रहा है इस वाले माने कि जो शॉर्ट फॉर्म में जो आपको चूज़ कर लेना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में एडिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए चूज़ कर लिया है और इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस खिलेगा। तो सबसे पहले मैं कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ, तो मैंने सिंपली से वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा इसे बढ़ा लेता हूँ जैसे कि मतलब वीडियो भी कम ना पड़े। और ठीक है, अब क्या करना है, आपको लेयर पर लेना है, ठीक, जो वीडियो आपने शूट कर रखा है आपको लेयर से वीडियो ले लेना है। और सिंपली आपको दे सकते हैं, और क्या करना है, आपको थोड़ा इस नीचे आना है और लिखा है यहाँ पर स्लिप्ड स्क्रीन, इस पर क्लिक करना है और ये फुल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, इस पर जो है वीडियो हमारा फुल ऑप्शन में आ गया है, यानी कि फुल स्क्रीन में हो गया है ऑटोमेटिकली। तो देख सकते हैं को कुछ अट्रैक्टिव इस तरह से लगेगा। अब क्या करना है, आपको जहाँ से मैंने चेन खोली थी एंड यहाँ से जब मैंने जैकेट को थोड़ा थोड़ा दिखाया था, तो यहाँ से मेरे को यहाँ से क्या करना है, कट मारना है, ठीक है, स्प्लिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको करना है इस पर इसी वीडियो पर क्लिक करना है जो अपने इसे को काटा है और थोड़ा नीचे आना है। अब क्या करना है, आपको क्रोमा की करना है, क्रोमा की करने के बाद आपको यहाँ पर एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद यहाँ पर जो साइड में लिखा है की कलर, तो की कलर पर क्लिक करना है, आपको ग्रीन स्क्रीन को कर लेना है, क्योंकि आपको जैसा भी पर्दा हो मतलब जैसा भी आपका कपड़ा हो, ठीक है, उस तरह से आपको यहाँ पर कपड़ा जो रंग है चूज़ कर लेना है, जिस तरह से आपने कपड़े को उसमें में निपटा रखा है, ठीक है। तो मैंने ग्रीन निपटा रखा है तो ग्रीन को चूज़ कर लेना है। अगर करना है इसे मैनेज कर लेना है इस तरह से, कुछ इस तरह से आ रहा है तो कुछ इस तरह से मैनेज करना है इसको, ये ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ मैनेज कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो आपने जो भी वीडियो लगाना चाहें, ठीक है, तो जैसे आप कोई भी वीडियो लगाना चाहें इस वीडियो पर क्लिक करना है, ठीक है, जस्ट इसके सामने रहना है। और क्या करना है, आपको लेयर से जो भी वीडियो आपने लगाना चाहते हैं, ठीक है, सीने में, तो उसको ले लेना है। तो मैं जो लगाना चाहता हूँ ये वाला स्मूथ वाला वीडियो है जो हार्ड टचिंग है मतलब एक प्रकार से, ठीक है, मैंने ये डाउनलोड कर रखा है। तो इसको क्या करना है, आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और जूम करने के बाद इसे थोड़ा सेट कर लेता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है, तो कुछ अच्छे तरीके से सेट करता हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, बिल्कुल सीने के हिसाब से मतलब कि जितना भी कपड़ा अपना बिट्टा हो। तो इस तरह से मैं कुछ मैनेज कर रहा हूँ। और क्या करना है, इधर जो चाबी का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि मैं हलूँगा तो वीडियो भी मेरा हलना चाहिए, ठीक है, तो उस तरह से मैनेज करने के लिए अब क्या करना है, अब देखो थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाया और थोड़ा सेट रखा, ये इस तरह से कुछ मैनेज कर लेना।
जो वॉइस है ना उसको मेरे को ऑफ़ कर लेना है, ठीक है? तो मैं ऑफ़ कर लेता हूँ, और जो नेक्स्ट वाला भी है उसको भी मैं ऑफ़ कर लेता हूँ साउंड, ठीक है? तो कुछ इस तरह से मैंने साउंड को ऑफ़ कर लिया है। और देखिए दोस्तों, जिससे एडजस्ट कर रखा है इसको क्या करना है आपको, देखिए ये तो थ्री डॉट आ रहा है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और लिखा है क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों? तो मैंने सेंड टू बैक पर क्लिक कर दिया। अब क्या हो गया, जो मेरी जो वीडियो था ना उसके पीछे चला गया, ठीक? तो अब इसे मैं दिखाता हूँ तो किस तरह से वीडियो लगता है। तो मैंने कुछ इस तरह से एंट्री मारी और इस तरह से मैं कुछ जैकेट खोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, और ये देख सकते दोस्तों। तो दोस्तों ये जो फालतू वीडियो मेरा वाइट वाला है इसको मैं काट लेता हूँ, जैसे कि मतलब आगे ना भागे। अपने आप से जो है वीडियो अपना काट लेना जो फालतू का वीडियो है, ठीक है? तो इस तरह से हमारा वीडियो जो है लगता है। तो कुछ इस तरह से एंट्री मारी मैंने, और यहाँ से आपको दिखाते हैं कि मैंने इस तरह से कुछ जैकेट खोला था। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने बना रखा है। अब दोस्तों अब हमें आगे कुछ सॉन्ग लगाना है जिससे कि कोई वीडियो अट्रैक्टिव लगे, तो मैं अपना जो सॉन्ग है तो नहीं चूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपका क्या करना है, अपने आप से जो आपको गाना पसंद हो ना दोस्तों वो आपको लगा लेना है। तो मैंने कुछ अपने पसंद से जो है गाना को लगा लिया है, और अपने आप से जो फिट कर लेना है, ठीक है दोस्तों? तो मैंने कुछ फिट रखा है, आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ इस तरह से वीडियो लगेगा, ठीक है? तो अपने मोबाइल में अपने तरीके से मैनेज कर लेना, ठीक है? तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा जो वीडियो है लगेगा, इस तरह से कुछ शूट किया है। और दोस्तों क्या करना है, और आपको क्या करना है, देखो दोस्तों जो आपके वीडियो में मतलब जो आपको कान मास्टर जो चलाते हैं उसमें आपको क्या करना है, यहाँ से सॉफ्ट बटन पर जो सॉफ्ट का आइकन आ रहा है वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है स्पेशल इफेक्ट में जाकर के, ठीक दोस्तों? मैं बिजली वाले जो है इफेक्ट लगाऊंगा जिससे कि अट्रैक्टिव लगे ना। कुछ इस तरह से मैं जो बादल को लगाने वाला हूँ, यानी कि धुआं को लगाने वाला हूँ, ठीक है? तो दोस्तों मैं धुआं को लगाने वाला हूँ कि कैसा के वीडियो अच्छा लगेगा, तो किस प्रकार का लगाया जाए लिया है, तो देखते दोस्तों कैसा लगता है। और इस फोग को वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर मैंने जैकेट खोला था, तो इसको उठा कर ले चलते, चल इस तरह से ले चलते हैं और देखते हैं हमारा वीडियो कहाँ पर है। इसको यहाँ पर ऐसे हम देख लेते हैं एंड वीडियो को पकड़ते हैं और यहाँ पर फिट कर देते हैं। कुछ इस तरह से आपको फिट कर लेना है, और इसको वीडियो को ना फिट करना है, कहाँ पर फिट करना है तो इसको ना मैं साइड में एक तरफ फिट करता हूँ थोड़ा जूम कर कर, एंड इस तरह से मैंने जूम कर दिया। तो कुछ अब देखते हैं इसका वीडियो। और दोस्तों कुछ भी छूटता है तो कैनमास्टर से इफेक्ट डाउनलोड करके ना दोस्तों आप अपनी वीडियो को अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? मैनेज कर सकते हैं कि मेरा वीडियो कैसे बनना चाहिए, ठीक है, अपने आप से। तो मेन चीज़ तो आप तो सीख ही चुके हैं, और इफेक्ट वगैरह तो आप लगा ही सकते हैं, और शौक वगैरह अपना लगा ही सकते हैं कैनमास्टर से, ठीक है दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं ऐसी रिलेटेड के वीडियो पे तो आपके पास ना नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है? जय हिंद दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।